छात्रों, आज हम इस वीडियो के द्वारा जो व्याकरण देखने वाले हैं उसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। देखो, उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी पहचान इस वीडियो के द्वारा हम करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है, इसके बारे में यहाँ हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, पहले उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग यानी वे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं अथवा अर्थ बदल देते हैं, उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसको ही उपसर्ग कहा जाता है। तो ये उपसर्ग वाले शब्द शब्दांश कहाँ आते हैं, मुख्य शब्द के जो मूल शब्द होता है उसके पहले आते हैं, शुरुआत में आते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उस शब्द में विशेषता लाते हैं। तो देखते हैं, एक उदाहरण है, दो उदाहरण यहाँ पर हैं, एक है उपवन और दूसरा है सौभाग्य। तो देखिए, उपवन शब्द में मूल शब्द क्या है और उपसर्ग शब्द कौन सा है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, उपवन शब्द है तो उप यह शब्द है, इससे कुछ अर्थ नहीं निकलता, ये एक शब्दांश है और उससे जुड़ा है वन। तो यहाँ पर देखिए, वन शब्द से अर्थ निकलता है, वन का मतलब है जंगल, तो वन जंगल और ये उप, इसे जोड़ने से शब्द बना है उपवन, और उपवन का मतलब होता है बगीचा। क्या होता है? बगीचा, बाग। तो अर्थ ही बदल दिया, पूरा का पूरा अर्थ ही यहाँ पर बदल दिया। इस शब्द का अर्थ है वन का अर्थ है जंगल और उपवन का अर्थ है बगीचा। तो देखिए, यहाँ पर भी एक शब्द है सौभाग्य। क्या शब्द है? सौभाग्य। तो यहाँ पर सौ यह एक शब्दांश है और यहाँ पर भाग्य यह एक शब्द है, भाग्य नसीब। भाग्य शब्द को आप पहचानते हैं, भाग्य यानी अपना नसीब, और यहाँ पर जो सौ शब्द उससे जोड़कर आया है, इससे शब्द बना है सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य। भाग्य सिर्फ एक शब्द है और उसे सौ जोड़ने से वो क्या बना? अच्छा भाग्य। तो यहाँ पर इस तरह से ये उप है, यहाँ पर सौ है, यह क्या है? मूल शब्द को जोड़कर, मतलब उसके पहले जोड़कर आए हैं और शब्द बने हैं, इसलिए इनको उपसर्ग वाले शब्द उपसर्ग इनको कहा जाता है। उप और सौ यह क्या है? उपसर्ग है, और शब्द बने हैं उपवन और सौभाग्य। तो इस तरह के और उदाहरण हम देखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, एक है आजीवन, दूसरा है अज्ञान, तीसरा कुपुत्र, उपनाम और पांचवा है विदेश। तो इन शब्दों को मूल शब्द कौन सा है और इसका उपसर्ग कौन सा है, यह इस शब्दों के द्वारा हम देखेंगे। तो देखिए, पहला शब्द है आजीवन। शब्द क्या है? आजीवन। इसका जो उपसर्ग है वो है आ, और इसका मूल शब्द जो है वो है जीवन। मूल शब्द जो है वो जीवन, और इसको आ उपसर्ग लगने से शब्द बना है आजीवन। देखो, दूसरा है अज्ञान। अ यह उपसर्ग लगा है और इसका मूल जो शब्द है वो है ज्ञान। तो ज्ञान शब्द को आप पहचानते हैं, अ लगने से शब्द बनता है अज्ञान, मतलब बिना ज्ञान का। देखिए, यहाँ पर तीसरा शब्द जो है वो है कुपुत्र। कु यह उपसर्ग है और यहाँ पर पुत्र यह मूल शब्द है, पुत्र बेटा, और कु लगने से वो क्या हुआ? बुरा बेटा, बुरा पुत्र। इसको का मतलब क्या होता है? बुरा। यहाँ पर देखिए, उपनाम शब्द है उपनाम, तो यहाँ पर उप शब्द है और यहाँ पर नाम, नाम यह मूल शब्द हुआ और इसे उप शब्द जोड़कर आया है, इसलिए शब्द बना उपनाम। अगला शब्द जो है वो है विदेश। यहाँ पर देखिए, वी यह उपसर्ग है और देश यह मूल शब्द है। तो देश को वी जोड़ने से, देश के पहले वी शब्द जोड़ने से यहाँ पर विदेश शब्द बनता है,
देखिए यहाँ पर आजीवन इसमें आ यह उपसर्ग है, अज्ञान इसमें अ उपसर्ग है, कुपुत्र में कु यह उपसर्ग है, उपनाम में उप उपसर्ग है और विदेश शब्द में वि यह उपसर्ग है। तो यहाँ पर ये उपसर्ग हुए। इस तरह के उपसर्ग इस तरह के होते हैं जो मूल शब्द के पहले आकर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्रत्यय। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? प्रत्यय। इसके पहले हमने देखा उपसर्ग वाले शब्दों की पहचान, अब हम देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं, इसकी पहचान इसके द्वारा देखेंगे। देखिए प्रत्यय इसकी परिभाषा है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थ को बदल देते हैं या फिर अर्थ में विशेषता लाते हैं, उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, पहला है दूध वाला और दूसरा है सुंदरता। इन दो शब्दों के द्वारा हम प्रत्यय शब्दों की पहचान कराते हैं। देखते हैं दूध वाला शब्द, देखिए इसमें पहला जो शब्द है वो है दूध और दूसरा जो है वो वाला। तो इन दो शब्दों को जोड़कर दूध वाला शब्द बना है। इसमें दूध यह मुख्य शब्द है, मूल शब्द है और इसे वाला यह प्रत्यय लगा है। प्रत्यय क्या है? वाला है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो शब्द बना है वो है दूध वाला। पता है ना आपको दूध वाला? हाँ। तो ऐसे शब्द बनते हैं प्रत्यय जोड़ने के बाद, इस शब्द का अर्थ ही बदल गया है। दूसरा है सुंदर, सुंदरता। तो पहला शब्द जो है वो है सुंदर और उसे ता जोड़ने से इस शब्द का अर्थ ही बदल गया है। एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया है ये, सुंदर और उसे ता जोड़ने से शब्द बना है सुंदरता। तो यहाँ पर वाला और ता यह क्या है? प्रत्यय है। दूध शब्द को जोड़कर वाला शब्द आया है, वाला यह प्रत्यय है। सुंदर, सुंदर इस शब्द को जोड़कर ता शब्दांश आया है, तो ता यह क्या हुआ? प्रत्यय हुआ। तो शब्द बने हैं दूध वाला और सुंदरता। तो ऐसे और उदाहरण हम देखने वाले हैं। देखो अब हम प्रत्यय वाले शब्द देखते हैं। पहला शब्द है मित्रता, दूसरा शब्द है सामाजिक, तीसरा है बंदरिया, चौथा है घबराहट और पांचवा है जादूगर। ऐसे शब्द है, इनमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय शब्द कौन सा है इसकी पहचान अब हम करेंगे। देखिए पहला शब्द है मित्रता, तो इसमें मूल शब्द जो है वो है मित्र और इसे जो प्रत्यय लगा है वो है ता, तो शब्द बनता है मित्रता। मित्र यह मूल शब्द है, उसे ता जोड़ने से मित्रता शब्द बनता है। देखो यहाँ पर सामाजिक, अब इस शब्द में मूल शब्द क्या है? तो समाज। क्या है? समाज। मूल शब्द है समाज और इसको क्या जोड़ा गया है? ईक। इस ज को ई की मात्रा दी है, छोटी ई की मात्रा दी है और आगे क्या है? क है। तो यहाँ पर जो है वो प्रत्यय है ईक और शब्द बनता है सामाजिक। ही शब्द क्या बनेगा? सामाजिक। शब्द बनेगा सामाजिक। तीसरा है बंदरिया, शब्द क्या है? बंदरिया। तो मूल शब्द जो है वो है बंदर और इसको क्या लगा है? इस र को छोटी ई की मात्रा लगी है, मतलब क्या है? ई। और आगे क्या है इसके? या। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? या यह प्रत्यय है, बंदरिया। देखिए चौथा जो शब्द है वो है घबराहट। तो मूल शब्द है वो है घबरा और इस र को किस कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर आएगा आ हट। घबरा धन आहट, घबरा धन आहट, घबराहट।
देखो पांचवा शब्द जो है जादूगर, तो मूल शब्द होगा जादू और इसे जो प्रत्यय जोड़कर आया है वो है गर। देखिए शब्द, पहले शब्द में मित्रता शब्द है मित्र, इसे ता शब्द जोड़ने से शब्द बनता है मित्रता। सामाजिक शब्द में समाज, यह मूल शब्द है, इसको इक जोड़ने से शब्द बनता है सामाजिक। तीसरा शब्द है बंदरिया, बंदर, इसको इया जोड़ने से इया प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है बंदरिया। चौथा शब्द है घबराहट, तो घबरा, इसे आहट जोड़ने से शब्द बनता है घबराहट। पांचवा शब्द है जादूगर, जादू शब्द को गर शब्द जोड़ने से शब्द बनता है जादूगर। तो इस तरह से मूल शब्द के अंत में जो शब्द जोड़कर आते हैं उनको ही प्रत्यय कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है, इन शब्दों का अर्थ ही बदलता है, इसीलिए इनको प्रत्यय वाले शब्द कहा जाता है। तो देखिए इस वीडियो के द्वारा हमने उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों की पहचान की है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, इस वीडियो के द्वारा हमने जाना। यहाँ पर हमारा यह व्याकरण जो है उपसर्ग और प्रत्यय पूरा होता है। धन्यवाद।